टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कॉल मास्टर ऐप क्या है और आपको कैसे इसे यूज करना है। तो आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, कॉल मास्टर ऐप को जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सर्च कर लेना है कॉल मास्टर। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं CALL कॉल MASTER। इतना लिख देने के बाद दोस्तों जैसे हम यहाँ सर्च करेंगे हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो कौन सा कॉल मास्टर को इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ नीचे की ओर आएंगे दोस्तों, हमें ये नहीं दिख रहा है कि हमारा जो है कॉल मास्टर कौन सा है। तो हम जो है दोस्तों क्या करेंगे, अभी ये हमें एक दिख रहा है। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर से कॉल मास्टर ऐप को जो है इंस्टॉलेट कर लेना है, और फिर इंस्टॉलेट कर लेने के बाद हम इसे यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर से ओपन करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर से ओपन किए तो कुछ इस प्रकार से हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से अब हमें यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, हम यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर अब हमें परमिशंस मांगा जा रहा है, रिकॉर्डिंग ऑडियो, मैनेज कॉल कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, कॉलर आईडी एंड स्पैम, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आपका यहाँ अगला स्टेप इसे अलाउ कर देना है, और फिर इतना कर देने के बाद सारा चीज़ यहाँ अलाउ कर देना है। और फिर यहाँ जो अब हमारा जो है अगला जो है हमें सेट करने के लिए कहा जा रहा है, कॉल मास्टर पे हम यहाँ टाइप कर देंगे और फिर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अब दोस्तों इतना कर देने के बाद अब हमें यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जो है हम यहाँ बैक आ जाएंगे, तो बैक आ जाते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ फिनिश इसे कर देते हैं। और दोस्तों इतना कर देने के बाद अब मेरा जो आगे का प्रोसेस होगा वो हम मेरे मोबाइल में अभी लोडिंग ले रहा है, तो हम यहाँ इसे लोडिंग लेने देते हैं। तो हम तब तक के लिए इसे कट कर देंगे। अब दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमारा इसमें से कॉल सारा बताया जा रहा है कि आप जो है ये सारा कॉल मिस्ड हुआ है और कौन से बात की है। तो अब जो है दोस्तों अब हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ एक 5 ऑप्शन, जहाँ की कॉल लॉक, कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, सेटिंग, प्रीमियम। हम एक बार सेटिंग पे क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है कि अब यहाँ एक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो हम जो है आपको यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग अगर ऑन रखना है तो ये अभी मेरा ऑन ही है, ऑफ करना है तो हम इसे ऑफ कर देंगे। अब ये देख लीजिए यहाँ हमारा एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, ये कॉल जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको इसे ऑन रख देना है, ये जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी। अब फिर दोस्तों हम आ जाते हैं बैक, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कॉल लॉक पर आएंगे। ये इसका डायल पैड रहा दोस्तों किस प्रकार से, ये इसका कॉन्टैक्ट रहा, आप जो है किस प्रकार से किसी को भी ढूंढ कॉल तॉल लगा सकते हो। हम एक व्यक्ति को अभी कॉल लगा के आपको दिखाते हैं कि इसका इंटरफेस किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ एक को किसी एक को कॉल लगा के दिखा दिए, कॉल लगा चुके हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है ये कॉल लगाने वाला ऐप नहीं है, कॉल आने वाला ऐप है। जैसे किसी का कॉल आता है तो आपका इस पर ही आएगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप जो है इस ऐप को यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है एक ब्लॉक सेटिंग। तो ब्लॉक सेटिंग पे हम क्लिक कर लेते हैं, और इतना कर देने के बाद अब हमें कहा जा रहा है कि स्पैम कॉल्स यू नो नंबर इंटर लोकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल, तो ब्लॉक हॉटकी। यानी कि दोस्तों जैसा कि हमारे मोबाइल में कोई फ्रॉड कॉल या कोई स्पैम कॉल घुसता है तो हमारे इस ऐप के जरिए जो है पता चल जाता है कि ये एक फ्रॉड कॉल है या स्पैम कॉल है। आपने ट्रू कॉलर पे भी काफ़ी बार देखे होंगे स्पैम कॉल, फ्रॉड कॉल, ये सारा चीज़ आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है यहाँ भी इसमें पता चल जाएगा और वो ऑटोमेटिक जो है आपके फ़ोन में ब्लॉक हो जाएगा और वो कॉल आप तक नहीं पहुँचेगा, फ्रॉड कॉल। तो ये ऐप की जो है खासियत है, इस प्रकार से जो है आप इसे यूज कर सकते हो। और यहाँ कॉल ब्लॉकिंग को आपको इसे ऑन ही रखना है, जैसा कि ये अभी ऑन है, ये ऑफ हो गया, इसे ऑन रखना है, इतना कर देना है दोस्तों। और काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन से ये, आप इसे इंस्टॉल ज़रूर करें और अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करके देखें। हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ। धन्यवाद।